हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और ये दोपहर का समय हो चुका था और मेरी दीदी आई हुई थी और जीजा जी आए हुए थे, मतलब मेरी ननद आई हुई थी तीसरे नंबर वाली, और पापा जी और सब बैठ के बात कर रहे थे आराम से, और चाय वगैरह सबने पी ली थी। और मैं रसोई में ना बाजरे की खिचड़ी बना रही थी, तो पापा जी कह रहे थे कई दिन से कि मेरा खिचड़ी खाने का मन है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अभी बना देती हूँ। मैंने इसको पहले ही मिक्सी में पीसा था, हल्का था, फिर इसको अच्छी तरह फटका और फिर दोबारा मिक्सी में पीस कर फिर दोबारा मैंने इसको मतलब गैस पर रख दिया बनने के लिए। और बस अभी ये बनने लग रही थी। इसमें मैंने ना चने की दाल और मूंग की दाल भी डाल ली है बाजरे की खिचड़ी में। और दीदी अपनी जेठानी की लड़की की शादी में से आई थी, तो बस बातें करी थी वहीं की। और ये इन्हें आके बैठ चुकी थी अपनी बुआ के पास, अपनी बुआ से बातें करने लग रही थी ऐसे ही, मतलब शादी वगैरह की पूछने लग रही थी। और पापा जी भी ये सब भी अपनी अपनी बातें कर रहे थे, तो मैं रसोई में खड़े होके ये खिचड़ी बना रही थी बाजरे की। और घर में जब मेहमान आ जाते हैं ना, तो घर में चहल पहल सी हो जाती है, अच्छा भी लगता है ऐसे। और ये बस ऐसे ही ना बातें करते, मतलब बातों ही में ही बातें बातें करते ना दिन कट जाता है जब मेहमान आते हैं ना घर में। और ये मैंने ना दीदी और मतलब पापा के लिए, दीदी और के लिए पपीता काट के दे दिया था, तो बस पपीता खाते रहे और बातें करते रहे। हिना से पूछा, हिना ने मना कर दिया कि कहने लगी मुझे नहीं खाना, इसे कम पसंद है, पपीता नहीं खाती है। और बस ऐसे ही बातें कर रहे थे इधर उधर की। और ये ना मैंने भी नहीं खाया पपीता वगैरह क्योंकि मुझे भी कम पसंद है। और अब ना हिना कहने लगी गाजर का हलवा बनाना, फिर हिना गाजर को कस रही थी और इसकी बुआ छील छील के इसको दे जा रही थी, क्योंकि हिना ने ये उस दिन गाजर आई थी हमारे खेत में से, मैंने पहले वाले व्लॉग में बताया था, तो मैंने पहले भी गाजर का हलवा बनाया था, फिर ये बच गई थी। फिर दीदी को कहा था दीदी ये भाई गाजर रखी हुई है तो आप आ जाओ, फिर बहुत सारी थी। फिर मैंने इसको ना ज़मीन में मतलब जो बोरी होती ना वो बिछा के उसके ऊपर रख दिया, धोया नहीं, अगर मैं धो देती ना गाजर को तो ये ख़राब हो जाती। तो फिर दीदी आई ना, तो फिर हिना ने धो दी थी सारी। और हिना कहने लगी गाजर का हलवा बनाना है, तो इसकी बुआ ने, फिर हिना ने धोकर कसने लग रही थी और इसकी बुआ छील कर मतलब छील छील के इसको दे रही थी छील के उतार कर। बस ऐसे ही बातें करते रहे, मैं भी बैठी थी। फिर हिना कहने लगी मम्मी कचौरी खाने का मन हो रहा, फिर मैं अपने मतलब कचौरी वगैरह की तैयारी करने लगी थी, मैंने आलू को जो उबलने रख दिए थे। और बस ऐसे बातें करती रही और हंसने लग रही थी। कह रही थी मैं आराम आराम से कर, क्योंकि इसने ना एक दो बार अपनी उंगली इसमें थोड़ी सी कटवा ली थी, ये जो जब कसते हैं ना कद्दूकस में तो थोड़ा उंगली में लग जाती है, तो हिना के थोड़ी बहुत लग गई थी। मैं इससे कह रही थी आराम आराम से कर और हंसने लग रही थी बस ऐसे ही।